नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वेलकम टू येट अनदर शो ऑफ बियॉन्ड द स्टार्स। आज मैं सोनिया फिर से हाजिर हूँ एक नया सितारा लेकर जिसका नाम है वीनस। वीनस द स्टार ऑफ ब्यूटी लक्जरी एंड वेल्थ। लेट्स नो फ्रॉम आवर वेरी गेस्ट मिस्टर टोनी साई। वेलकम सर। नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वीनस जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, रिलेटेड है ब्यूटी से, लग्जरी से और वेल्थ से। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर, बताइए हमें कुछ आज इसके बारे में। शुक्र ग्रह शांति सुंदरता शीतलता और इसका रंग अपने आप में लाइट हल्का ग्रे स्लेटी रंग है। एक वैसी ही शांति आ जाती है इस ग्रह से जब ये कुंडली में उच्च का होना शुरू हो जाता है। पूरा जीवन इसका कुंडली में अलग अलग रूप से बदलता जाता है। शुक्र लग्जरी का है जिसको बहुत खाने पीने पहनने ओढ़ने का शौक हो, हर चीज रोज बदल बदल के। शुक्र कामयाबी चेंजेबल, जैसे कि चेंज, मतलब ये चेंज सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित है या खाना पीना घूमना फिरना साथ में, अगर उसका मून उच्च का है तो घूमने फिरने भी बहुत शौक और दिलचस्पी रखना, क्राफ्टिंग कॉस्ट्यूम्स हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये सब शुक्र की ही देन है। आपकी ड्रेस भी आज वीनस को डिनोट कर रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज शुक्र को उच्च करने के लिए मैंने स्लेटी रंग पहना। तो आप बोल रहे थे कि वीनस रिलेटेड है चेंज, चेंज के कारण। तो ये क्या अट्रैक्टिवनेस और जो चेंज आप बोल रहे हो ये कपड़ों तक ही सीमित है या हर चीज से? ये हर चीज से डेस्टिनी चेंज कराती रहती है। विजिबिलिटी साइंस है, इनविजिबिलिटी डेस्टिनी है जो स्टार से बंधी हुई है। इनविजिबिलिटी या ये बहुत गहरा एक अध्ययन है जिसे इंसान समझ नहीं सकता, इस कारण वो बहुत जल्दी उदास हो जाता है। बहुत फील्ड के अंदर पढ़ाई कुंडली में छठा आठवां बारहवें घर का शुक्र किसी भी राशि के साथ हो या उसके साथ कोई भी संयुक्त ग्रह हो या ना हो, बहुत उसकी कुंडली के अंदर वो बदलाव कर देता है जिसको आप बोलते हो अनएक्सपेक्टेड विदाउट एनी थॉट्स। जिस चीज पर वो जिंदगी में मेहनत करता है उसमें वो कभी सफल नहीं होता, जिस पर वो मेहनत नहीं करता उसमें वो सफल होता है। जिसका वीनस उच्च होता है। हाँ, छठा आठवां बारहवां, ये लोग बाग स्कूल कॉलेज में जो विद्या से डिग्री हासिल करते हैं उसमें आगे ये फिर कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, उनका सब्जेक्ट ये बदला देता है। बच्चे को अगर मैथ्स में वीक है तो आप उसको मैथमेटिक्स में ट्यूटर भी रख देते हो, जितनी आप मेहनत कराते हो वो उस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स नहीं लाता, जिसमें उसकी कम मेहनत होती है उसमें उसका लक फेवर कर जाता है। और यहां तक कि छठे घर के अंदर शुक्र के लिए कहा गया है कि लल्लू करे कवलियां ते रब सिद्धि पाए, कि अगर वो कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली बोली जा रहा है वो जरूर पॉजिटिव बनेगी और जिस चीज को वो पॉजिटिव लेके जा रहा है वो नेगेटिव हो जाएगी। ये शुक्र ग्रह है। तो आपका कहने का मतलब है अगर किसी स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इसका क्या आर्ट और कल्चर से भी कुछ रिलेशन है? बिल्कुल पूरा, बहुत ज्यादा। जैसे जिसको कॉस्ट्यूम ड्रेस डिजाइन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट गारमेंट्स, ये सब शुक्र का है। इसका मतलब वीनस का मीडिया से भी कुछ लिंक है? बिल्कुल 70% मीडिया से भी लिंक है इसका, कि अमूमन जो मीडिया में कलाकार है जी, जो पर्दे पर आता है, गुड लुकिंग है, हाँ जो पर्दे पर आता है वो अमूमन सफेद रंग पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे फीमेल एक्टर हो चाहे मेल हो। I mean, वीनस का अगर प्रभाव हो तो ज्यादातर मतलब सुंदर तो होते ही हैं, हाँ। साथ में उनको व्हाइट कलर का ज्यादा और व्हाइट आउटडोर पे शूटिंग पसंद है, जैसे स्नोफॉल वगैरह पे। Somebody like जितेंद्र, या जितेंद्र, अच्छा विश्वजीत, ये अमूमन हमेशा सफेद कपड़े पहनते थे, नेचुरली वो कराता है ग्रह। इंसान को कोई भी जो ग्रह उसकी कुंडली में उच्च का होता है वो कितना भी बदलाव करना चाहे नहीं कर सकता, ग्रह खुद कराता है। ग्रह की भी अपनी एक लैंग्वेज है बट वो हमारे लिए साइलेंट है। इससे क्या सक्सेस भी मिलती है इंसान को? बिल्कुल मिलती है इन प्रोफेशन। हाँ, बहुत मिलती है। ये कौन से प्रोफेशन से लिंक्ड है बेसिकली ज्यादातर? शुक्र का होता है कि आदमी जिस टाइम में बहुत लेबर करता है वहां सफलता ये नहीं देता, मैंने भी आपको बताया। जी जी, आपने बताया। शुक्र होता है कामयाबी, बहुत अक्सर तक
दूर से देखो धरती और आकाश में कितनी ही बराबरता नजर आ रही है, लेकिन जब आप करीब जाते हो तो उनमें कितना फासला पड़ जाता है। ये शुक्र का काम है। शुक्र हर फील्ड के अंदर है, नौकरी, कलाकारी, बिजनेस, जॉब्स, प्रोफेशन, एट्रैक्टिव जॉब, सब में शुक्र का योगदान है। शुक्र जब उच्च का होता है तो कुंडली में चंद्र उसको जरूर सहयोग देता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप, जिसको मंजिल को पाने की बहुत चाह होती है, तरक्की करना चाहता है, उसको जरूर तरक्की कराता है, लेकिन मैरिड लाइफ में उनको हमेशा फिर ये अनसक्सेस कर जाता है। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर सक्सेस मिलती है तो उसके साथ कहीं ना कहीं उनको सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा हाँ, मतलब इस ग्रह के साथ ये ऐसा ही मतलब लिंक है कि ये अगर सक्सेस दिलवाता है तो कुछ ना कुछ चाह कर भी आदमी उसके बाद चाहे कि मैं अपनी फैमिली को, ये फैमिली से रिलेटेड है कि कोई और चीज़ से? फैमिली और जो उसके बहुत करीब में है, मतलब रिलेशनशिप्स, आपका कहने का मतलब है रिश्तेदारियों में पारिवारिक लोगों से दूर कर देता है। एक तो जब आदमी पॉपुलर हो गया उसके पास टाइम ही नहीं है किसी के लिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अधिकतर जो डिवोर्सीज हैं वो वीनस के शिकार हैं? वीनस के शिकार हैं। जरूरी नहीं है कि मंगल ही डिवोर्स कराता है, शुक्र ग्रह भी बहुत डिवोर्स कराता है। इसके क्या रेमेडी है, मतलब इसके क्या स्टोन्स या हीलिंग्स के क्या है? शुक्र ग्रह का काम होता है शादी से संबंधित। जब लड़का या लड़की कुंडली में शादी होती है तो शुक्र को जरूर देखना पड़ता है जी। अगर ये लगन छठे आठवें बारहवें में है तो या तो ये रिश्ता करा के तोड़ेगा ही तोड़ेगा, गलती से शादी हो गई तो डाइवोर्स कराएगा। अगर डाइवोर्स नहीं हुआ तो उस चीज को मेंटेन रखने के लिए ये एक्स्ट्रा अफेयर करवा देगा, मेल की कुंडली में फीमेल से किसी और, फीमेल से मेल से, और वो उस हमारे लिए एक समाज में बहुत बड़ी बुराई बन जाती है। लेकिन डेस्टिनी ने जो भी काम करा वो सोच के करा है। हाँ, अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता, लेकिन जो डेस्टिनी है उसको मालूम है, वो उसके ऊपर पैरेलल बन जाता है कि जो एक दूसरे का जो कष्ट होता है पति पत्नी का, वो दूसरे पे डाइवर्ट हो जाता है। वो कैसे? जो आदमी अपनी पत्नी को टाइम ना देके दूसरों को टाइम देने लग गया तो जो पत्नी के ऊपर उनके कष्ट आना था वो उधर आगे डाइवर्ट हो गया, जो मेजर आना था वो कम पे टल गया। ये एक ऐसी ज्योतिष शास्त्र की अपनी भाषा है जिसे संसार नहीं कभी भी मानेगा। लेकिन ये ग्रह अगर ना होता तो ऐसा क्यों होता? अगर ये लिखा ना होता डेस्टिनी ने उसके शुक्र ग्रह के अंदर, तो उसको रोक सकते थे? नहीं रुकता, वो कभी नहीं रुकता। इसका काम होता है जब ये आदमी को एकदम तरक्की देनी शुरू करता है तो परिवार से उसका जो है झुकाव खत्म होता जाता है। ये एक प्राकृतिक नियम भी है शायद, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप इसके बारे में बता सकें कि यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जितने भी सक्सेसफुल इंसान रहे हैं लाइफ में, दे हैड टू सैक्रिफाइस समथिंग और द अदर इन लाइफ टू, जो कहते हैं कि फ्री मील या फ्री डिनर इज नेवर अवेलेबल, सो यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, तो दैट इज द बिकॉज ऑफ वीनस। वीनस ओनली वीनस, वो सिर्फ वीनस का काम होता है। वीनस सुगंध है, अपने आप में खुशबू है। जिनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है अपने साथ, उनको सुगंध रखनी, परफ्यूम है, सेंट स्प्रे करनी, उन्होंने कोई ना कोई बढ़िया से डिओडोरेंट यूज करने, अच्छे एरोमेटिक सोप करने, अच्छे खुशबूदार फूल, ब्यूटीफुल तो होते ही हैं वो, हाँ, गुड लुकिंग तो होते, और ऑटोमेटिकली वो चीज उनके पास खिंचती आएगी। भाई माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। शुक्र ग्रह है, जो शुक्र की चीज है उसके पास अपने आप आनी है, चाहे उसके अंदर पैसे से भी रिलेटेड है, मनी वाइज लग्जरी, जिसको लग्जरी लग्जरी, अब जरूरी नहीं है कि उसके कमाई से आ रही है, ये ध्यान रखना आप, जरूरी नहीं कि उसके उसको ससुराल से अकस्मात धन मिल जाए, उसके कोई बड़े बुजुर्ग उसके लिए धन छोड़ जाए अचानक, इनहेरिटेंस जिसको या आज उसने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, दो साल बाद वो इतने बढ़ जाए कि उसकी सात पुश्तें खाएं, ये शुक्र है। शुक्र इंसान का उच्च का है, कोई दूसरा ग्रह उससे लेबर करा रहा है। अगर दूसरा ग्रह उससे लेबर करा रहा है लेकिन शुक्र का उसके साथ एक एग्रीमेंट है, जब मैं पॉजिटिव होऊंगा तो अकस्मात तुमको धन देना ही देना है, और उसको मिल जाता है। तो ये शौकीन लोग जो होते हैं जिन्हें गाड़ियों का और बंगलों का कंस्ट्रक्टिव, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद इसके कुछ, मतलब इसके कुछ नेगेटिव तो आपने कहा कि रिलेशनशिप्स में दूर कर देता है, इसको पॉजिटिविटी में चेंज करने के लिए, मतलब ताकि घर वालों से ना दूर हूं या रिलेशनशिप्स को पॉजिटिव करने के लिए क्या
स्टोन्स, व्हाट इज द स्टोन्स? देखो स्टोन्स इसमें होता है जरकन, जरकन वो इतना फायदा नहीं करता, सिल्वर एक्सपेंसिव भी होता होगा काफी, वो उसको आजकल लोग बहुत लग्जरी के तौर पे यूज कर रहे हैं, बट इट इज एन एक्सपेंसिव स्टोन एज फार एज आई थिंक, या ये है तो काफी एक्सपेंसिव, लेकिन वो पहनने से फल नहीं मिलता। जब भी इंसान बीमार हुआ है डॉक्टर ने उसको लेमन का है पीने को, इमली नहीं कही, दोनों खट्टे हैं, डायमंड उसका सबसे, दोनों वो चीजें खट्टी हैं, इमली भी और नींबू, लेकिन नींबू कहते हैं खाने को। नींबू जो है शुक्र का और केतु का इकट्ठा मिल जाता है अग्रसर, अगर इसकी जो खुशबू संसार में फैलने लग रही है तो जो जो उसके करीबी रिश्ते थे उसको से अलग कर देते हैं। शुक्र, आदमी ने गलती से MSc कर ली किसी ने टॉप, लेकिन उसका क्लिनिक नहीं चलता, वो लाइन अपनी चेंज कराएगा, वो एक्टिंग में आ जाए, ऐसा भी होता है 100%। शुक्र का काम ही ये होता है कि जिस चीज में आप इसको नोइंगली या अनोइंगली, मतलब इसे ये एक लग्जरी और इसको बोलते गाने बजाने का शौक होता ही है आमतौर पे, अगर जिन विनस वो है तो वो चंद्र से रिलेटेड है ज्यादा, गाना बजाना सुनना वो चंद्र है, चंद्र से नहीं, वीनस से नहीं, वीनस से नहीं है, वीनस होता है कि तो ये इंटरेस्ट किस चीज में वीनस के, ये लेके आता है आपकी इमेजिनेशन से। अच्छा, शुक्र उच्च का जिसका होता है वो अपने परिवार के जो उसके बुजुर्गों के काम होते हैं उसमें वो तरक्की नहीं करता, उसकी लाइन हॉबी से बनती है। What happens if somebody has Venus as its ruling planet? अगर किसी हॉरोस्कोप में Venus ruling planet है तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में ये होता है आप स्कूल कॉलेज जाते हो पढ़ते हैं बच्चे, उनकी कोई हॉबी होती है, डांसिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, टेक्सटाइल, कंप्यूटर्स, तो वो कहते हैं कि आफ्टर 12th मम्मी हम वो कोर्स करेंगे और वो करते हैं, उस पे कामयाबी हासिल कर जाते हैं, वो हॉबी है। तो जो ये प्लैनेट वीनस है ये लग्जरी से रिलेटेड है, इससे मतलब अट्रैक्टिवनेस से रिलेटेड है। हम जो बात कर रहे थे पत्थर जारकन की जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, आप कह रहे थे कि ये इससे वैसे भी कोई काम होता नहीं है, तो क्या डायमंड कैन बी वोट फॉर दिस? नहीं, जरूर वैसे लग्जरी के लिए पहनना पहन लो, पर उसकी कोई एफिशिएंसी नहीं, नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि इसे रिलेशनशिप्स में दूर कर देता है, नहीं उसका तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है? रेमेडी है, बहुत है, लेकिन ये आई उनके साथ ही है कि जिनकी कुंडली में नीच का ग्रह बैठा था वीनस, या वो ग्रह ने उनको कहा कि तुमने शादी जो कर ली है उसको मैं सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो तुम्हारी एक फील्ड चल रही थी तुमको उस पर ध्यान देना था, अब अगर जो गलती हो गई है, जो शादी हो गई है उस टाइम पर, जो इमेच्योर टाइम पे, उसके फिर उपाय करवाने पड़ते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना होता है। कोई वही वजह है, मतलब आपको इंटरप्ट करें, वही वजह है कि लोग कहते हैं कि सर्टेन एज में शादी करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके क्या, हम जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे थे कि अब नॉर्मल है कि किसी की इमेच्योर टाइम में शादी हो गई, अब उनकी मिजरेबल लाइफ है, टेंशन दोनों तरफ, मनमुटाव, डिवोर्स देना भी चाहते हैं पर नहीं हो रहा, कोई ना कोई कारण, उधर बच्चा हो गया इस दरमियान, क्या किया जाए? उसमें फिर उपाय कराए जाते हैं लड़की की कुंडली में उसके ग्रह के मुताबिक, लड़के कुंडली में जैसे एकादशी का व्रत अगर वो एक साल रखे जो महीने में दो बार आती है, उससे शुक्र स्ट्रांग हो जाता है, और शुक्रवार को सफेद रंग के फूल मंदिर में चढ़ाए, अच्छा पॉजिटिव हो जाता है। ये आपको कहोगे कि बड़े सस्ते उपाय हैं, होम्योपैथी की माफिक हैं, लेकिन इनका असर बड़ा पक्का होता है, जटिल होता है। क्यों? उसके बाद उनको ये कहा जाता है कि आपने लड़की को, उसके पेरेंट्स को बोला जाता है कि लड़की की तो आपने शादी कर दी, लेकिन आपने अब भी रोज सुबह अपने घर से गाय को कुछ खाने को देना है, क्योंकि जो गाय है, गौ माता है, वो शुक्र की ही देन है, उसका एक सिंबल है, उसको आप खुश रखोगे तो आपका जो शुक्र बेटी का और अगर उसके दिमाग में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कष्ट खत्म करता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बनती जाती है। तो उससे यह हुआ कि 70% जो डाइवोर्स होने थे मेरी होश में, मेरे सामने, वो रुक गए, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, लड़के आपने उसके उपाय कर दिए, उपाय करा के उसमें लड़के को समझाया भी, थोड़ा सा काउंसलिंग भी की, देख तो अपना दिमाग जो है अपने करियर के पीछे लगा, ठीक है शादी होगी तो अपना तो घर आके लड़ेगा नहीं, थोड़ी काउंसलिंग की और स्टार उधर से उसके प्रबल हो गए और उनकी जो लाइफ थी ठीक चलती चली गई। इतना बावजूद भी फिर वो दो चार साल बाद दोबारा ऐसे परेशानी ले लेता है, इरप्शन होता है। हाँ, एक आज से 10 साल पुराना केस था, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस। पटेल नगर दिल्ली में एक फैमिली रहती थी, उनकी एज आप सुन के हैरान रह जाओगे,
कि 65 की एज में उन्होंने डाइवोर्स लिया जबकि उनके पोते पोतियां थे और देवर हैप्पी जब उन्होंने डाइवोर्स लिया। तो क्यों कहते अच्छा है एक नई जिंदगी का एक असर लेंगे, मरने के बाद भी इंसान बुजुर्गी में अलग रहता है ना, अब हम जीते जी अलग होके रहते हैं। बहुत कोशिश की, वो कहते हमारे पहले दिन से नहीं बनी, शादी हुई बच्चे हो गए 35 साल, आगे उनके बच्चों की शादी हो गई, नहीं कर सके। तमाम उन्होंने गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद गए, दुनिया भर के उपाय कराए, लेकिन क्या हुआ उसका प्लस पॉइंट है, क्या हुआ जैसे वो हुआ डाइवोर्स, जो मिस्टर थे उनकी एज थी कोई 68, मिसेस की 65, उनके पास दोनों को अपनी अपनी वैल्यू से अकस्मात धन मिल गया। जो लेडी थी उनके इकलौते ब्रदर थे, उनके सारी फैमिली थी नहीं, उनकी डेथ हो गई, उनके डाइवोर्स होते ही महीने बाद तो उनको अच्छा 2-3 करोड़ रुपया मिल गया। और जो मेल थे, जो जेंट्स थे 68 के, उनको क्या फायदा, उनकी कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी थी कहीं पे बहुत पुरानी, उसके रिकॉर्ड्स बाहर आ गए, उससे उनको लाखों करोड़ों का फायदा हो गया, क्योंकि उन्होंने शुक्र ने पारिवारिक जीवन को खत्म करना था तभी उनको धन, और ये तभी धन दिया। अगर उनका वो ना होता तो शायद धन भी ना मिलता। तो ये होता है कि स्त्रियों को, माँ हो पत्नी हो, इन दोनों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि उनका अगर पुत्र या पति कोई कामयाबी हासिल कर रहा है, वो टाइम अगर नहीं दे सक रहा तो मन मुटाव नहीं करना चाहिए अगर वो सही ट्रैक पे चलता जा रहा है। क्यों, कई बार शक भी शुक्र और शनि इकट्ठे करा देते हैं, खामोखाई का शक कि इनका वहां बात है, कोई यहाँ बात है, शुक्र पे शनि की दृष्टि पड़ती है तो वो खामोखाई स्त्रियों के दिमाग में कोई ना कोई शक की बात डाल देते, और एक दिन वो शक मुसीबत का कारक बन जाता है, जो ना भी गलत होना चाहिए। इस योग का क्या नाम है, जो शक का? हाँ, इस योग का नाम क्या है कि 100 बार अगर आप सत्य को असत्य सत्य कहे जाओ तो वो भी असत्य हो जाता है, और 100 बार अगर आप असत्य को सत्य सत्य को तो वो सत्य बन जाता है। इसको एक योग होता है जिसको हम कुंडली के अंदर बोलते हैं पारस्परिक मतभेद योग शुक्र का, उसमें फिर शुक्र की पूजा कराई जाती है बहुत बार। मतलब कई इंसान इससे प्रभावित होता है कि वो शकीन किस्म का होता है, तो वो आप कहोगे कि ये टेंशन जो उसे हर पल ये लगता रहता है कि शक होता है, वो इसी योग का कारण है। उसमें हम और पीछे चले जाते हैं कि ये जो लेडी है क्यों शक कर रही है, तो उसकी कुंडली देख के पता लगता है कि बाई नेचर ही वो ऐसी चलती आ रही है। जब वो छोटी थी तो उस बात पर ना उसके पेरेंट्स ने, ना उसके टीचर्स ने ध्यान दिया, ना उसके फ्रेंड्स ने। अब जब वो मैच्योर हुई, उसका जो शक था वो कमांडिंग में आ गया, अब वो जो शक कर रही है तो उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, उसको रुकाओ वो रुक नहीं सकता। शुक्र उधर मैच्योर हो रहे हैं और उसको वो क्या कर रहे हैं, इमीडिएट शक में डाले जा रहे हैं। शक में डालने से क्या कि शुक्र का जो डिफरेंसेस है दोनों में खत्म करता जा रहा है, और एक स्टेज आती है जो वो ऐसी जगह पे खड़े होते हैं, हम एक दूसरे के चेहरा नहीं देख सकते, चाहे उनके बच्चे हुए हुए हों चाहे ना हो, हमें अलग होना है और वो करा देता है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसे कोई सेलिब्रिटी है जो आप जानते हो पर्सनली, जिसको जिनको आपने ऐसी हीलिंग दी हो कि जिनकी पर्सनल लाइफ सही नहीं रही हो बिकॉज ऑफ वीनस? क्योंकि ये उत्सुकता हमारे ऑडियंसेस में भी होंगी कि सिंस ये एक लग्जरी और अट्रैक्टिव मीडिया से रिलेटेड भी लोगों से है, तो क्या ऐसे आपकी जान पहचान है किसी ऐसे सेलिब्रिटी को आप जानते हैं जिसको अपने पर्सनली? देखो इधर मैं नाम तो नहीं लूंगा इस मैटर के लिए, तो नाम नहीं लूंगा कि पर्सनली उन्होंने मुझसे अपना सवाल किया होगा, इधर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तमाम है, हजारों है, रोज उनके केसेस आते हैं, इसमें नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये ऐसा रिलेशन है जो ओपन नहीं कर सकते। लेकिन आए हैं, मैंने अभी आपको बोला ना, जब हमने शुक्र के टाइम पर उपाय कराए तो 11th आवर पे जो वो डाइवोर्स देने जा रहे थे उनके आपस में दोबारा संबंध बन गए। वो क्यों हुआ? हमारे पॉलिटिशियन भी कुछ ऐसे रहे हैं जिनकी डिवोर्स तमाम है, वो बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटीज चाहे छोटी पर्सनैलिटीज सबके साथ है, वो कोई बड़ी बात नहीं। अब हमारे एक एम्प्लॉय है हमारे पास 15 साल से काम कर रहा है, उसकी 3 शादियां हो गई और वो पढ़ा लिखा नहीं लड़का, 10वीं पास है, बनारस का रहने वाला है, गुड लुकिंग होगा हमें भी, गुड लुकिंग क्या बस है, स्मार्ट है। उसने पहली शादी करी 95 में, हमारे पास काम करता था, फिर डाइवोर्स, फिर दूसरी शादी, फिर डाइवोर्स, अब तीसरी। तो मैं तो उसको हंसता हूँ, मैं कहा भैया तू दशरथ तो बन गया, उसकी पहचान का वो रंग है, ब्रह्मांड पे रंग ही उस पर वो गिरता है, तो उसी से अनुमान लगाया कि शुक्र का यह ग्रह। कौन से भगवान है जिनसे? संतोषी माता।
संतोषी माता की उपासना करना शुक्रवार को, जो नहीं करते जो डेली करते हैं उनके लिए तो भगवान है, जो शुक्रवार को उनका थैंक्स कर दिया तो वीनस अपने आप ही उच्च का होता चला जाता है। और शुक्र में और ये होने से उच्च का होने से उच्च के होने से क्या है कि जैसे उनके कामयाबी में उन्होंने कोई बिजनेस खोला हुआ लोहे का, उसमें वो असफल हो रहे थे, लेकिन शुक्र जब उच्च का हो गया वो लोहे लंगर का सब काम बंद करके कोई लग्जरी आइटम का कर लेते हैं, कोई टॉयलेट सोप का काम कर लेते हैं, कोई एडोरेंस का कर लेते हैं, कोई फ्रेग्रेंस का कर लेते हैं। तो कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो वीनस से रिलेटेड हैं? जितनी भी अट्रैक्टिव जॉब है वो वीनस से रिलेटेड है, लाइक कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फ्रेग्रेंसेस। सो वी कैन नॉट से दैट दिस इज ऑल फीमेल ओरिएंटेड वर्क, मेल भी करते हैं। कोई मेल की बार्बर शॉप्स नहीं है, फीमेल से ज्यादा है, ज्यादा महंगे तो वो भी करते हैं। अब जो हमारा रीसेंट ट्रेंड है फैशन, यू नो दैट्स हैपनिंग इन इंडिया आजकल, हैपनिंग हो रहा है, जितने फैशन शोज हैं वी आर ऑल रिलेटेड टू वीनस, फैशन डिजाइनर्स और इंटीरियर आल्सो। हम ऐसा भी कहते हैं कि इंडिया इज अ रिच कंट्री, यू नो, रिच इन रिसोर्सेज, मेरे कहने का मतलब है रॉ मटेरियल्स और यहां से एक्सपोर्ट्स, मिनरल्स यहां से एक्सपोर्ट होते हैं अब्रॉड। तो इसका आपका आई मीन जनरलाइज्ड व्यू अबाउट इंडिया, डज वीनस हैज एनी थिंग टू डू विद दैट? देखिए, जो भारत की संस्कृति एक प्राकृतिक है, ये बहुत ही खूबसूरत है, उधर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ये भी एक शुक्र की देन है। शुक्र का क्या काम है, अगर पूरा भारत का आप नक्शा देखो, इसके अंदर ही हमने पूरा रिसर्च किया है, 9 के 9 प्लेनेट का अपना अपना एक स्थान है। बंबई है, वेस्ट में है, चंद्र से रिलेटेड है, पंजाब है, नॉर्थ है, उत्तर से रिलेटेड है, वहां पे मैक्सिमम ग्रीनरी है, बॉम्बे साइड में मैक्सिमम उधर पानी आ गया, ठीक है ना। तो हर ग्रह अपने अपने हिसाब से फर्क डालता जाता है, थोड़ा थोड़ा टिम 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 करता है। जो शुक्र हर जगह पर है, हर स्टेट का अपना अपना अलग एक कल्चर और फैशन है, यहाँ कोई आदमी जितना अफोर्ड कर सकता है वो शुक्र ही करा रहा है, और कोई ग्रह नहीं करा रहा। एक आदमी 3 कमरों के फ्लैट में रहते हैं, जैसा उसने परचेज किया उसने 10 साल तक व्हाइट वॉश भी नहीं कराई, और एक एक 10 लाख का फ्लैट लेके उसके ऊपर 20 लाख इंटीरियर में लगा देता है, तो ये शुक्र का काम है। एक पुरानी कार है, नई खरीद नहीं सकता, लेकिन उसमें दे धनादर पैसे लगा रहा है लग्जरी के लिए, शौकीन है, ये भी शुक्र है। चेहरे पर उसकी उम्र भी इतनी जा रही है लेकिन फिर भी अपने आप को स्मार्ट यंग बनता है, ये भी शुक्र है। ये सारे वो ग्रह हैं कि मैं यंगस्टर के साथ ही उठूं बैठूं, ये शुक्र करा रहा है। शुक्र ने मैच्योरिटी नहीं देनी ना उसने। तो ऐसा भी होता है कि जितने सुंदर लोग रहे हैं, हम अपनी सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, तो इनके चेहरे पे जो नूर है, जो सुंदरता है, ये वीनस की देन है। वीनस एक मतलब मैच्योरिटी डिले कर देता है, एक स्नोबॉल लुक है जो वीनस है। जुपिटर में चेहरे की लुक चेंज हो जाती है, अब ज्यादा ग्रेस आ जाती है, बट दिस मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटी फिर भी है, ब्यूटीफुल में व्हाइटिश, वो शुक्र है। Does Venus has anything to play, any role to play in love or sex से related कुछ ऐसा है? हाँ, बिल्कुल, इससे related इसी से है। People are fond of ज़्यादा shock होता है। कुंडली के अंदर पति पत्नी की कुंडली जब मिलती है तो वो शुक्र ग्रह बनाता है, और जब कल उनके घर संतान होती है वो भी शुक्र बन जाता है। शादी से पहले वही जो पति लड़का था, अगर उसका शुक्र उच्च का होता है, उसको अपना खाना पीना घूमना फिरना थिएटर जाना शराब सिगरेट वगैरह सारे ऐसे, ये शुक्र के दिन है। अगर वो हर चीज को एक लिमिट में कर रहा है, ओपनली नहीं है, तो बुरा ही नहीं है, तो वो भी एक शुक्र ग्रह है। शादी के बाद पति पत्नी का रिलेशन वो शुक्र गिना जाता है, इसी वजह से काफी एक्सटर्मैरिटल अफेयर्स जो सुनते हैं। शादी के बाद जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो फिर शुक्र ग्रह आगे ट्रांसफर हो जाता है। अब उसकी कुंडली में शुक्र को उच्च करना पड़ता है कि जिससे पत्नी भी ठीक रहे, कल को हेल्थ पे प्रॉब्लम है और आगे बच्चे भी ठीक रहे। जो बात हम कर रहे थे वो ये थी कि क्या किसी इंसान के फीचर्स या फेस से देखकर आप बता सकते हो कि उसका वीनस स्ट्रॉन्ग है या कुछ ट्रेट्स, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? जो इंसान सफाई प्रस्त होता है अपने शरीर से, अपने घर से, अपनी गाड़ी से, अपने व्यवसाय से, और साफ आदमियों से मिलने की ही उसकी हमेशा चाह रहती है, गुड लुकिंग उसी का शुक्र का पॉजिटिविटी नजर आ जाती है कि उसने खाना अगर थोड़ा सा ही खाना है। बॉलीवुड विल बी लाइक, बॉलीवुड में तमाम हैं शुक्र ग्रह से संबंधित जो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन में करते हैं,
कि जिनको अपना घर, पंक्चुअलिटी, ये सारा कुछ शुक्र का ही होता है। बहुत से कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनका के पास एकेडमी तो है, काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन शुक्र नीच का है। अच्छी अगर उन्होंने लुकिंग पहन ली, कपड़े नीचे, वो जूतों पर ध्यान नहीं देते, तो इसका मतलब शुक्र उनका नीचे टाइम के लिए पाल लिया। टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, कहीं बिल्कुल जाते हैं तैयार होकर अपने बूट पॉलिश वगैरह, कमीज पैंट उनकी सब हो ठीक, टाई वाई प्रॉपर लगाई हो, पेन बिल्कुल ठीक हो, स्टेशनरी का भी ध्यान रखें, तो वो शुक्र हैं। और कुछ घर की गृहणियां जिनका शुक्र नीत क्या, वो परवाह नहीं करती, नो डस्टिंग एट ऑल, चलने दो घर को, तो ये शुक्र का ही काम है। और कुछ लोग भाग हैं, एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर भी रहते हैं, उसको महल से ज्यादा साफ सुथरा रखते हैं। जो तमाम जगह हम जाते हैं बड़ी बड़ी हवेलियों के अंदर, वहां इतनी डस्ट, जाला, गंदगी होती है, दे डोंट बॉदर, क्योंकि उनका शुक्र नीच क्या है कि गलती से किसी ग्रह ने उनके सब कुछ सुख दे दिए, लेकिन उसको वो मेंटेन नहीं कर सक रहे, ना उसकी कदर जान रहे। मन तो करता है कि हमारे नक्षत्रों का ये सिलसिला जारी रहे, बट टाइम अब इजाजत लेने का है, तो हम चाहेंगे कि जाते जाते आप कुछ दर्शकों को एज यूजुअल जो कहते हैं नोट, क्लोजिंग नोट पे बताएंगे। जरूर बताना चाहूंगा मैं जाते जाते तमाम पूरे भारत को कि शुक्र को उच्च रखने की 3-4 कलाएं हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। सबसे पहली कि गौ माता की सेवा करना, शुक्र अपने आप में उच्च हो जाता है। अगर वो नीच भी चल रहा होगा तो उच्च हो जाएगा, अगर उच्च है तो उसने उच्च हो ही जाना है। और संतोषी माँ का पाठ करना, शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करना, ये आपको लग तो छोटे छोटे उपाय रहे होंगे, लेकिन आपकी बहुत समस्याओं का समाधान आपको इस प्रोग्राम के द्वारा सारी आपकी समस्याओं का निर्धारण कर सकने में पूरे सहायक होंगे। और अगर बेहतर इसके अंदर कोई आपको बड़ी से बड़ी परेशानी हो, उसके लिए और भी शुक्र ग्रह की अलग से अलग टेक्निक है। वो इतनी बड़ी तकनीक बन चुकी है कि जिसके कारण शुक्र ग्रह से सुख, संपत्ति, व्यापार फील्ड, आपका काम, आपका प्रोफेशन आपको उसमें सफलता दिलाने में पूरा पूरा सहयोग दे सकते हैं। मेरी ओर से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू साई जी, आपका इस स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आपने हमें इतना कुछ बताया वीनस के बारे में, आशा करते हैं फिर आपसे यही मुलाकात होगी। थैंक यू दोस्तों। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने जाना कि नक्षत्र वीनस से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं और इसका हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव होता है। सो स्टे ट्यून्ड विद सोनिया ऑन योर फेवरेट शो, जिसका नाम है बियॉन्ड द स्टार्स। सो फिर हाजिर होंगी मैं एक नए एपिसोड के साथ। अपनी प्रॉब्लम्स और अपने सजेशंस मुझे मत लिखने भूलिएगा @ I'm waiting for you at the next episode with a new star. So stay tuned for Beyond the Stars.